में कंपटीशन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे करीना मैम, क्या हालचाल? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? एक मिनट। मैम वीडियो ऑन करोगे? हाँ हाँ हाँ, जस्ट अ मोमेंट। Yes, board is visible. Hello, ma'am. Hello, everyone. Hello, okay. Ma'am. Okay, everyone. I hope all have entered. Fine. मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है और आपकी स्क्रीन भी स्क्रीन भी बहुत मैम आ तो रही है पर आपकी जो स्क्रीन है ना वो बहुत ब्लर है। क्या फिर से बोलो? मैम आपकी ये जो आवाज है वो अटक अटक के आ रही है। मैम आपका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो है। हाँ मैम रेड डॉट दिखा रहा है। यस मैम नहीं आ रहा है। देवान समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से चैट में मैसेज डाल।
काव्य दुबे चिपक गया था। एट में आया है, कुछ शर्म शर्म रख। जस्ट अ मोमेंट, माय वॉइस इज क्लियर मैम? नो मैम, गयो मैम, फटी हुई आवाज आ रही है। आई एम रीजॉइनिंग देयर। यस मैम, मैम प्लीज रीजॉइन। मैम पर किसी और को होस्ट बना के ज्वाइन करना। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैम? मैम की वॉइस और स्क्रीन बराबर क्लियर नहीं आ रही थी, और मैम उनकी स्क्रीन भी बहुत ब्लर थी, इसलिए वो रिजाइन कर रहे हैं। उनका नेटवर्क बैंडविड्थ स्लो था, ऐसे लिख के आ रहा था। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके मैम। शुभ क्या कर रहा है? शुभ के घर पे फोन लगाना पड़ेगा। हेलो मैम। Okay everyone, now you are in 8th standard, please show some etiquettes and maturity, fine? Okay, so can anyone tell which topic should be started first? Ma'am, sentence and its types. Yes, correct, it should be sentence. Do you all know what a sentence is? Yes, ma'am. Ma'am, a sentence is a group of words that make a sense. Make a sense. Oh, make sense. It's called a sentence. हाँ ठीक है. Seventh standard. In seventh, we have done that. So now, do you know the kinds of sentences? Then the democratic sentence, interrogative sentence. The first one is declarative. But then demonstrative. Then interrogative. Interrogative. Imperative. Exclamatory. Assertive. Okay. Assertive. Assertive तो उसी के होते हैं ना, declarative को ही assertive बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, okay. ठीक है, okay. तो ऐसा करते हैं, आप सबको सेंटेंस आता है, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए दैट यू ऑल नो द सेंटेंस। इज देयर एनीवन हु डज नॉट नो एट ऑल अबाउट सेंटेंसेस? एनीवन? नो मैम। कंफर्म हो कि ऐसा नहीं हो कि बाद में आप लोग बोलो कि मैम ने करवाया नहीं है? No, ma'am. मैंने एक बार करा था, रिवाइज हो जाए। क्या एक बार? एक बार थोड़ा सिखा दो ना, वो फास्ट फास्ट फिर पता है। फास्ट फॉरवर्ड ऐसा? ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। सेंटेंस तो क्या होता है, मैं सिर्फ टाइम्स करवा रही हूँ। ओके ओके मैम। मैम हमें यह ड्रॉ करना है, पहले समझ लो फिर ड्रॉ कर लेना, याद रहना चाहिए। मैम आपकी स्क्रीन बहुत ब्राइट दिख रही है, बहुत, इसलिए थोड़ा बहुत। हाँ
आपकी स्क्रीन बहुत ब्राइट दिख रही है इसलिए थोड़ा मैम बराबर दिख नहीं रहा। ब्राइटनेस आ रही है, ओके मैम। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव में क्या होता है, फर्स्ट, अच्छा इसके भी दो पार्ट्स है, वापिस से बहुत ब्राइट आ रही है। कौन सा लिखना है? वापिस से ब्राइट आ रही है मैम। ठीक है, करती हूँ। डिक्लेरेटिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो अब क्या बिल्कुल अंतिला कर दूँ? अब ठीक है, बहुत ज्यादा। नो मैम, नो मैम, अभी भी नहीं है मैम, अब बढ़ गया मैम, अब तो उससे का कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे तीन चीज है, काइंड ऑफ सिमेट्री है वो। अरे देवा, हाँ मैम, हम बराबर है अभी, ओके चलेगा? हाँ मैम, थोड़ा बहुत ब्लर दिख रहा है। मैम वापिस आ गई, मैम ये ठीक है, मैम ये ठीक है। Yes. मैं नहीं दिख रहा मैम, नहीं क्या मैम? मैम स्क्रीन बार बार ब्लर हो रही है। हाँ बेटा, ये सबके लिए ब्लर हो रही है, सबको हो रहा है कि आपको ही हो रहा है? मैम बराबर ही है, मैम बराबर है, मैम क्लियर है आपकी स्क्रीन। एक इशू है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके डन नाउ? यस यस। ओके सो नाउ इन सबके साथ एक एक इसका एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, सो दैट आपको इजी हो जाए। ओके लिखेंगे, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम, यस मैम। हाँ तो इसका एक एग्जाम्पल, डिक्लेरेटिव तो याद है ना, कोई स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट, इन सबको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्या इन सब तो डिक्लेरेटिव है? या मैम, आप वन टाइम में नहीं सुन रहे हैं, क्या बोला है मैंने? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें जो कोई इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है, वैसा जिसमें कोई स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई फैक्ट है। फैक्ट जैसे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज फैक्ट। ओके सो यू कैन राइट एनी स्टेटमेंट हियर। अभी आया समझ में? और स्टिल देयर इज एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। एनी अदर इज हैविंग एनी कंफ्यूजन? नो मैम। मैं और एक एक एग्जांपल दो ना मैम। ठीक है, मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ।
We plan to move to UK. The sun is a star. मैम मम्मी एग्जाम्पल करके लिख दे। हाँ तो और क्या, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने दे दिया, तुम लिख दो। इंडिया हैज अ बिग एरिया, द अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट। अच्छा इसके मैंने आपको टू काइंड्स बताए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ओके affirmative without no, never, neither, but if we add no, not, never, neither, none, nobody, agar isme se koi bhi word humne add kar diya, jaise we do not plan to move to UK. So not आ गया, इसका मीनिंग ये नेगेटिव बन गया, but अभी ये सब अफर्मेटिव है। मैम neither nor आएगा, nor आएगा ना, क्या लिखा है किसमें? मैं वो नो नॉट नो नॉट नेवर नीदर नन नोबडी नॉर मैम अपने फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है? वी प्लान टू मूव टू यूके। मैम आपका वी एल आपका वी एल ई एल दिखाई दे रहा है, पहले तो मुझे लिली दिखाया, मतलब समझा अब ठीक है? हाँ मैम अब ठीक है। As soon as you finish, please tell me. I'm done. I'm कब का हो? I'm done. कब का तो बोल रहे क्यों नहीं हो? ये था सब एग्जांपल declarative का, जिसका दूसरा नेम assertive भी है और उसके एग्जांपल दिए और affirmative और negative भी मैंने क्लियर कर दिया। Now interrogative. Interrogative means asking questions. अब questions के लिए two kinds के questions होते हैं। एक तो वो जो W वाले words से start होते हैं, W to the power 8H, और एक दूसरे वाले helping verbs से start होते हैं।
आता है ये वाला डब्ल्यू टू दी पावर एट एच वाला? यस मैम. जो व्हाट वेर वेर उन सब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. और इनमें हेल्पिंग वर्ब है मतलब जो इज एम आर हैज हैव हैड विल शैल बाकी के. अब ये तुमको आते हैं दैट इज माई आई एम नॉट टेलिंग इन डिटेल और एल्स तो इट विल टेक द होल लेक्चर. देन आई हैड प्लान्ड समथिंग एल्स बट यू मेड मी डू दिस. But I hope this much you know. नहीं आता तो मुझे आज ही क्लियर करना है. ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग बोलेंगे कि मैम आता नहीं था और आपने शॉर्ट में करवा दिया. Agree everyone? मैम एक बार करवा दो. ये आपने फ्लो चार्ट तो बना लिया था ना? Yes. तो मैं अब ये डिक्लेरेटिव और एसर्टिव हो चुके इंटरोगेटिव से स्टार्ट कर रही हूँ. सेकेंड काइंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव मीन्स asking question. That means when this sentence will end, there will be a question mark. When this sentence will end, there will be a question mark. Upar dikh raha hai any interrogative? Hum dikh raha hai. Okay, now two types of question sentences are there. Which two kinds? First, I told you W to the power 8H. That means W is having 8 words and one word is of H. What? When? Where? Why? Who? Whose? Which? How? Whom? Which? These are 8 words of W and 1 word is of H. How? So now, if any sentence starts from any of these words, that sentence will be interrogative. Start from where? Where the sentence banao koi? Where is my home? Where are you going? Where is your home? Kuch bhi. Question mark. Ab iske sare sentence aap banaoge. Every word ka banao. What are you doing? Where are you going? When do you do your homework? Ab helping verb se start hone wale helping verb kya hote hain? Whom do you ask for notes? Had, has, have. Is a man was for has. Which is your favorite sports? Have. Man, me. So whose toy is this? ये सब आएगा. Me, might, can, could. हाँ, अभी बता रही हूँ. I had to. पहले सुन तो लो. First listen and then say. मैम कूल ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड कुड मे माइट ऑल दोस वर्ड्स आर हियर मॉडल्स. ओके मैम आप चिपक गए हो. इफ यू स्टार्ट एनी सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम इज देन
मैम आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है मैम, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ मैम, मैम योर स्क्रीन इज ब्लर एंड योर वॉइस इज कटिंग। और आप कोई अच्छे वक्त भी जाते हो। योर वॉइस इज सो मच क्रैकिंग। अभी दिख रहा है? नो मैम, नो मैम, नो मैम। क्या दिख रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं, ब्लर दिख रहा है सब। मैम ब्लर दिख रहा है सब। हाँ तो रुको, हाँ मैम थोड़ा क्लियर। हाँ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है। आपका नेटवर्क बार बार रेड हो जाता है, इसलिए आपका नेटवर्क का इश्यू। हाँ मैम, कोको बार येलो होता है फिर रेड हो जाता है। मैम अभी तो क्लियर दिख रहा है। नहीं अभी रेड हो गया। हाँ तो अभी तो करो, अभी करो फिर। अभी येलो हो गया, अभी तो लिख के आ गया। अरे नेटवर्क पे ध्यान कम दो, तो स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ ब्लर हो रहा है मैम। मैम वो लिख के भी आ गया। Yes, मैम सबको ब्लर दिख रहा है। Yes, मैम। मैम हम लिखे कैसे? मैम कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं पैसा लिख के आ गया कि करीना भाटिया नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। लिख के आ गया तो सब समझ जाते कि क्या लिख के आ गया है। मैम भी समझ जाते हैं। अभी दिख रहा है? डर रहा है महादेव तथा आवाज के आगे मंदिर है ना, उसका फोटो छापा है। हाँ ठीक है कर लो फिर। ये जोरदार हैंडराइटिंग है आपकी। मैम डन तो इनके मैम, हाँ जी मैम, वो W8H में वो थर्ड नंबर क्या लिखा है? वेयर
Done everyone? No ma'am. अभी तो W8H का second last room है. Okay. Ma'am W8H का सारे sentences बन गए. Screen is. Ma'am your screen is not visible clearly. अब क्या problem हुई है? शुभ डोंट लाइ ओके नहीं मैम सच्ची कुछ नहीं दिख रहा मैम ही इज टेलिंग राइट मैम योर स्क्रीन इज ब्लर यस मैम वो सही कह रहा है क्या बार बार झुट झुट प्रूव करो अब क्या कर सकते हैं मैं आपका नेट इसमें कम दिखा रहा है क्या कम दिखा रहा है नेटवर्क बैंडविड्थ नेटवर्क करके चालू करो अभी भी नहीं दिख रहा नो मैम अभी भी नहीं दिख रहा मैम जब आप कुछ नहीं बोल रहे थे ना तब क्लियर था मैम अभी भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मैम कैमरा बंद करके चालू करो क्या कैमरा ऑफ करो मैम बंद करके फिर से चालू कर देना हाँ मैम मतलब आपका कैमरा ऑफ करो और फिर ऑन करो मैम तो भी वही आ रहा है ब्लर उससे भी खराब आ रहा है मैम कुछ नहीं दिख रहा मैम आपने बोर्ड आगे पीछे किया वापस किसको क्लियर नहीं दिख रहा है मैम मुझे मैम मुझे मैम मुझे मुझे भी मैम मुझे भी हाँ भटक गए Mm-hmm.
कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा अटक गए। मैम हेल्पिंग वर्ड का फर्स्ट क्या है? माइक बंद है बेटा। अभी जो मैम लिख रहे हैं वो दिख रहा है? आप दिख रहे हैं मैम? यस मैम। मैम आपको क्लियर नहीं है पर थोड़ा थोड़ा आपके बड़े अक्षर में बहुत क्लियर है। नो मैम, नो मैम। बच्चे लोग अभी दिख रहा है? नो मैम, नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम। मैम पहले तो थोड़ा थोड़ा दिखता था, मैं अब तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं। और मैम मैम का है ना वो चिपक गया है अभी। नो मैम, मैम अब तो मैम पूरा लाइट लाइट कुछ दिख ही नहीं रहा। मैम थोड़ा है ना स्क्रीन को नजदीक लेकर जाओ तो शायद दिख जाए। आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। अब दिख रहे हैं? नो यस मैम, क्लियर नहीं है पर वॉच लिखा है आपने। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ना तो मैं इसको वो करूं। मैम नेट, मैम नेट, नेटवर्क तो मैम अभी नहीं है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम की है। अब ये क्लियर है? यस मैम, थोड़ा क्लियर। थोड़ा क्लियर मतलब क्या? मैम मतलब रीड कर सकते उतना क्लियर है। मैम थोड़ा क्लियर यानी एकदम थोड़ा क्लियर। अब मोर परफेक्ट। यस यस मैम बराबर है। अब ठीक है, क्लियर। हाँ ठीक है, ओके। मैम ये एक का चल रहा है? हाँ
मैम 4 बजे चालू हो गया था? नहीं नहीं तो 3:30। चलो अब देखो सब लोग इंटरव्यू में आप कर रहे थे। 2 मिनट मैम। तो मैम आपका 4:30 to 5:30 लेक्चर है। तुम्हारा पता नहीं या मैम क्योंकि मेरा तो 4:30 to 6:30 होता है। मी की गुजरात बोर्ड का है बेटा। ओके मैम। आई सब को दुख है एवरीवन? यस मैम। यस मैम एकदम क्लियर है। ओके एक वर्ड कौन सा बाकी रहा? हाँ। मैम W8H में हाउ बाकी रहा है? हाँ ओके। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अरे भैया फिर से क्या प्रॉब्लम हुई? मैम दिख रही है मैम क्लियर है मैम उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम एकदम क्लियर है। मैम आपने ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है क्या? मैम मेरा पूरा हो गया। मैम आपने मॉडल्स की जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है। कोई बात नहीं मॉडल्स भी लिख सकते हैं। कैन कुड मे माइट all these are models and if any sentence starts from any of these words it is an interrogative sentence. मैं मैं बोलूँ मैं मेरा पूरा हो गया लिख लिया हो गया सबका? Yes. अब क्या करना इनके questions बनाना। Okay frame the questions from these. मैं तो आधे question और आधे answer लिखी मैम पर हार्ड पड़ेगा। अरे शेल के बाद क्या था किसी को मालूम है? Has, have, had, will shell और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। इम्पेरेटिव दिख रहा है ना? इम्पेरेटिव यस ऑर्डर। रिक्वेस्ट कमांड विश कमांड। मैम ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं है मैम आता ही है तो आता है। जब मैंने पहले पूछा था कि अगर किसी को नहीं आता तो बोला तो आप लोगों ने बोला था कि मैम करवा दो एक बार। मैम पर यस मैम। कितनी गंदी बज्जती हुई बज्जती बज्जती। फाइन ओके नो वरी एक इसमें चला गया सेशन दैट इज ओके। आपका तो ये रिवाइज ही हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम कमांड के बाद क्या लिखा है वो सजेशन? कमांड के बाद तो लिख रही हूँ।
ओके अब ऑर्डर मैम एड वाइस और एड वाइस में डिफरेंस क्या है मैम यहाँ पे ए डी वी आई एस और ए डी वी आई सी ई भी होता है ना एक नाउन फॉर्म होता है एक वर्ब फॉर्म होता है वो बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे तब करेंगे मैम अपने ऑर्डर रिक्वेस्ट के बाद 20 लिखा है मैम नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या नहीं आ रहा मैम माय फिर कुछ दिख नहीं रहा माय गॉड कुछ क्या लिखा है मे गॉड लिखा है माय थोड़ी लिखा है मैम बारो अब ओके हाँ मैम अब बराबर है मैम वो बी रेडी विथ योर फिर क्या लिखा है जी यू एन गन जी यू एन गन 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 बंदूक AK-47 AWM M8 Kar-98 पूरी फ्री फायर ले ले M1887 मैम आप कितने दिन बाद मिले हो कितने दिन बाद लेक्चर हुआ है थोड़ा परेशान करना पड़ता है नहीं तो मैम भगवान ऐसा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अच्छा ठीक है अब कर लिया ना परेशान कुछ नहीं मैम नहीं मैम आपने चालू ही करने नहीं दिया कभी एनसीईआरटी में भी था फिर स्कूल चेंज की ना इसलिए आ गई हम डन मैम यू शुड मैनेज के बाद क्या लिखा है मैम 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 लास्ट एग्जांपल क्या लिखा है वेट यू शुड मैनेज योर टाइम फर्स्ट अब लास्ट है एक्सक्लेमेटर मैम मेरा बाकी था मैम देवान द स्लो राइटर का यू आर गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग्स देन यू विल सी देयर ओके मैं लिख दिया ऐसे वैसे बोल रहा था पता नहीं एक्सक्लेमेटरी मतलब सडन फीलिंग सडन फीलिंग कोई भी हो सकती है हैप्पीनेस की भी And sadness ki bhi. So anger ki bhi.
मेरा बैंकर को भूल गए आप इतना गुस्से कर देते हम पे मैम क्या है आपको आपके फैमिली में या आपको कभी एक बार एक भी बार कोरोना हुआ मेरी हेल्थ के बारे में बातें पूछना कर लीजिए क्यों क्या हुआ डबल कोरोना नहीं हो सकता मैं इतने अट्टे करते ऐसा नहीं है मैम जल्दी बोलो टाइम नहीं है मेरे पास अरे चुप हो मैं 5 मिनट पहले नहीं छोड़ोगे बच्चों को उस पहले के लेक्चर में तो आप हमें 10 मिनट पहले छोड़ देते थे अभी ये मुझे बताओ कि तुम लोग थर्ड कोई एग्जांपल बताओ ओ गॉड माय पेंसिल वाज स्टोलन नहीं मैम मैम मेरा सुनो ब्रावो इंडिया वॉन द मैच मैं उससे क्या फर्क पड़ता है मैं 1 मिनट पेंसिल आती है 2 रुपए की पेंसिल आती है 2 रुपए की और ये बोलता ओ माय गॉड डू नॉट मैच सुनो मैं एक और सेंटेंस देता हूँ वाओ सुबह पास द एग्जाम फर्स्ट टाइम मैम आपको पेंसिल गलती से बोल मैं ये लिखना हाँ तो ऐसा लिखना ओ माय द स्टोलन वाओ बोर्ड एग्जाम्स आर कैंसिल ये तो बहुत बुरी बात है इससे अच्छे से ये लिख सकते हैं वाओ ऑल द स्टैंडर्ड्स आई हैव मास प्रमोशन हां मैम तो मैम देवांश बात होने वाला था इस बार मैम देवांश फिर होने वाला था नाउ राइट दिस मच मैम लिख दिया नहीं मैं हाँ ठीक है कर दो पर मैम स्क्रीनशॉट एक मिनट स्क्रीनशॉट भी लेने दो I have taken. Okay. Fine, everyone. Now we meet in the next session. Bye. Good day. Bye, ma'am. Ma'am, wait. Yeah. 2 minutes, ma'am. Last sentence, sir. Devansh, koi class hai kya iske baad? I think so, sir. Hai. Ma'am, ko puch lena. बच्चे लोग गुजरात बोर्ड का कोई लेक्चर नहीं है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का मैथ साइंस का लेक्चर है गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स कैन लीव द सेशन ओके मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम ईशानी यस मैम बेटा आप स्कूल से हो ना यस मैम बेटा आपको तो 9th में आओगे आप अभी 9th का सेशन अटेंड करना था आप ये वाला लिंक पे क्यों क्लिक कर रहे हो मैम मेरे में कोई और लिंक नहीं है ये आप बेटा मीटिंग से बाहर निकल के कॉल करो ना मुझे ओके मैम यस गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग मैम Yes, good evening, beta. My voice is clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And screen? What about the screen? Is it clear? Screen is also clear. Okay. Thank you, beta. Just a second. Ma'am, please make me a host, you know, so that I can share the screen. Kiran, ma'am. Ma'am, I have made you the host. Okay, thank you. Okay, fine. So last we have discussed till which point storage, right? We were on that preservation, storage and management. Okay, so we are going to continue from there. But before that, if you are having any queries or any questions related to the storage part, you can ask me right now. Okay, beta? Any question related to that? Anyone? No questions? Yes? Ma'am. Yes, beta. CEOs, matlab? Yes, we'll come to that point. Okay? Okay. CEO. Okay, we'll come to that point. Because, see, we have started our point with, we are going to store it at our home, right? So if we are going to store something at our home,
we are not going to store it in a larger quantities, right? But we have discussed that yes, crop production will be in a larger quantities, right? So we need to store it in a proper place. So we have started that with at home, how we can do that, right? We have started few techniques that how we can preserve that for a longer period. We have started with the freezing technique, right? Then what we are preparing? Pickle. So what is that? We are using salt, right? What is the other example? Ma'am, devil, castor oil. That we have discussed. Also, we have discussed neem leaves or neem powder, right? Boric acid or boric powder. Then what else? Drying out technique. Apart from this, we are having some other way to dry out. If we are using solar cooker, right? That's a very good example. But you know that right now we are preparing the papad, right? Papad. So you know that we are going to dry it out, okay, out of that khicha. And then we are going to dry it out under the sunlight. So that further for a whole year we can use, right? So that is a very good technique that can show us this drying technique, okay? You will see that in market, sun-dried tomatoes are available, right? What is that? Sun-dried tomatoes. Now, what is fancy? But we are using that for our pizza topping, okay? Sun-dried tomatoes means that you can store it for a longer period, okay? But it will be not that much tangy, it will be sweet. So that is also a very good example, right? What else? Gooseberry, right? Or you can say that the amla, dry amla we are consuming, right? So how we can prepare it? Drying out technique. Yes or no? Freezing, we have discussed about the peas or the mixed vegetables that is readily available in market. Okay. So exactly what will happen in case of freezing? We have discussed that at the time of freezing, we are just going to stop all the activities, metabolism inside that particular food. Okay. So further, it will not get spoiled. That's why we are keeping our food, leftover food, once it will be done, okay, leftover food will goes inside our freeze, refrigerator, right? Why? Because what will happen, if the food, if you are going to keep at room temperature, you are having two samples, suppose pasta you have prepared, right? So one plate, if you are going to keep it inside refrigerator and one will at room temperature, what will happen in this summer season? This room temperature, okay, this pasta that kept at room temperature will start decaying faster. But if you are going to keep it inside refrigerator, means you are freezing. Whatsoever content is there inside your pasta, okay, now it will be freeze. Correct. It will freeze. And whatever activity, what is that activity I have explained? Metabolism. It will stop. Metabolism. It will stop. Yes. Okay. So further, it will not start spoiling. Okay, start decaying, what that will be in case of living food. Okay, so now these are the preservation techniques. Okay, or we will come back to that point management also. But boric powder, neem powder, castor oil that we have discussed. Now pickle is interesting thing. Okay, we are using salt specifically and specific spices, right? So that we can use it for a whole year. Okay, exactly. Ma'am, what house salt. Exactly what your mother or grandmother, she is going to prepare that. Suppose if you want to prepare that pickle of carrot, okay, you can prepare any of it. But if you take that example of carrot or mango, right? Yes, you were saying that half an hour. I was saying that how can be a salt be a preservator? Okay, how can be? A very good example in winter, what you are doing, you are going to fill one jar, okay, one jar with amla, yes or no? And yes. You are going to add some water, clean water, and you will add turmeric and salt. Yes. So what is that exactly? Salt is alkaline material. Alkaline means which will kill any of that growth of microorganism inside your jar. Okay,
And turmeric itself, naturally, it's having that antiseptic in nature. Septic will not cause any infection, microorganism. It will not grow inside. That's why we are using turmeric and salt. Okay, we are going to keep it for a few days, and then you will see that your amla will start absorbing that. Okay, and that flavor you will feel when you are going to have it. Yes, so salt will be a very good example of alkaline. See, in seventh standard, we are going to study that acid, base, and salt. Okay, there we will learn in detail exactly how it will work and what's the meaning of alkali. Okay, it's eighth. Yes, it's eighth class. Just a second. Okay, yes, yes. Manjar is there, Ma is not there, sir. Diya, Ma is not there. Manjar is there. Okay, clear? Now, in case of castor oil, right now also, if we take the effective names, okay? Effective names of castor oil. What Ayurvedic doctors and some of the research papers and articles, they are saying, if you are going to apply that castor oil inside your nasal cavity, okay, inside your nasal cavity, if you are going to coat yourself with this castor oil, or you can take that coconut oil. But castor oil is a best example. It will prevent that virus, means it cannot directly goes inside. What will happen, this castor oil, because it's sticky, right? That virus will stick to that oil, okay? Castor oil. So it will prevent that entry of viruses inside. Yes. Virus agar naak mein chipka rahega to bhi to kya wahan par hi rahega na wo. Yeah, that is correct point, okay? Wonderful question. I'll just come to that point. Once it will stick inside your nasal cavity, right? This is your nasal cavity, and here you are applying your oil, right? It will just prevent that entry inside your respiratory system. Now, what you will do, what doctors are saying right now, once you will goes back to your home, right? What is your first task? Hand wash. And second task is take hot water steam. Okay, why? If this castor oil application will be followed by this hot water steam, once you come back to home, so what will happen? It will kill all those viruses present inside your nasal cavity. But if you are not going to take that, then it may be possible it will enter inside. But the chances are less. Okay. You are just reducing that possibility of entry. Okay. It's not fully reduced. It's not fully reduced. It's 0.5%. It's not fully reduced. Fully barriers we are not having, you know, if we are even wearing mask also, or if we are wearing a shield also. Okay. So you could say that fully mask also does the same thing, na? Mask also does the same thing. Yes, mask also. See, it's something like, okay, we will take one example, right? You know that if you want to clean the water, okay, you are collecting that water from, consider from pond area, okay, or lake area. Fine. Now we will take one example, only single example. Fine. That you are having one filter which is made up of fabric, kapda, right? Kapde se hum pura pani chhante, right? If you are going to filter that water with only fabric, what do you think? There will be presence of impurities? No, ma'am. Not yes, ma'am. Any more. Not more, but it can be. Bahut minor. Ma'am, some amount. Yes, you are right, beta. You are right. What I'm trying to say, the numbers of filters, it will increase. There are less chances that we can prevent the entry of that viruses inside. Yes. Okay. Here, if we are going to add fabric, then coal, then gravels, then grass. Okay. We are having lots of examples, UV radiation. So at the end of this, you will see that the clarity of water, at least it will be, we can say it's not totally free of microorganism, but you can see the clarity. Visually, you can see that water will be clear. Okay, because we are applying here, what, how many? 4 or 5 filters. Okay, just like your RO system, you will see that there will be presence of more than one type of filter. Yes, ma'am. Okay? So that's what I'm trying to say, nothing else. Okay, prevention is always better than... Yeah. Okay. Okay, fine. So we are coming back to that point. So castor oil, what it will do, the typical smell and stickiness of castor oil,
It will just, what it will do is stop the virus to come inside the body. Right now we are not discussing virus. Our point is that pest, okay, and the bugs. Because we need to store our crop, right? We are coming prevent back to microorganism to be there and some types of insects to be going. Yes, Veda, please can you come again? It will protect the crop from the insects. Correct, insects. Insects and microbes. Again, we have discussed insects, bugs, pest. There are varieties, okay? We are seeing all of them right now. Fine? So what exactly will happen if you are going to coat it with your castor oil, okay? It will stick it with particular grain, whatever you are taking, wheat or rice, okay? And at the time of wash, in case of rice, okay, it will be removed. But in case of wheat, just because of the stickiness, your paste will just, see, a very good example of mosquito, what we were doing, okay, before we were using this mosquito repellent. We were just hanging one paper, white paper, applying that oil. So what will happen? All the small size of insects will just go there, will get attracted. Ma'am, serious like idea. Now, serious like idea. Yes, ma'am. गोबर के जो होते हैं ना उसको जला के करते हैं। Right. Correct. That neem leaves also a very good example. Okay, mosquito repellent means we are going to burn the neem leaves to remove. But our case is that we need to store our crop. So we are going to use neem leaves or neem powder also available right now. Okay, because it has that antiviral as well as antibacterial property. Okay, like tulsi, antiviral plus antibacterial property. Almost everywhere you will find out what antibacterial. Okay, antibacterial fan, antibacterial clothes, all the types of inventions you will find out antibacterial, but not antiviral. But this neem is a specific, and that's why we used to call that. We should take a bath with that neem extract, or we should apply it on our skin to remove any of the skin diseases, right? And at least consumption of neem extract is a very good thing, okay? Because it has that antiviral property, fine? It can remove this insects, bugs and pests also, fine? Clear? Now, we'll come back to our storage part. Okay, now what is silos? We have already discussed that how we are going to store at our home. Okay, we are going to use containers, or you can say that. You already given that example, Anna, that plastic containers, metal containers we are going to use. But what government will do, okay, because they are having large production of this wheat, rice and all the crops. So, and they will make larger containers. Yes, madam. They will make larger containers. Correct. So there you cannot prepare that much size of, you know, container. You can say that. Ma'am, it will be of around very high feet. I cannot say. I have seen that. Quantity? Yes. Silos. The word is that silos. Okay. One of the student who was asking that question, madam. Ma'am, me. Yes. So that word is silos. Generally, we used to call them as a container at our home. Right? What is that? Container. But the word silos, that is for larger production of crop that you can store there. Fine. It's something like a cylindrical construction. Fine. I will share that image here. Just give me a moment. Fine. Apart from there, we are having cold storages. Right, cold storages means you might have heard that this potatoes are, yes, from ma'am. Cold storage. I know what is a cold storage. Yes. Cold storage is a place where there is so very much cold to prevent things. Ma'am, like freezer only, but there are cold on inside potato. Yes, madam. Ma'am, like the freezer, it will be very cold cold place in which they will store the items. Correct. So it will be at a certain degree temperature. So if you are going to put your food, suppose potato, okay, cold, generally we used to call that cold storage na bataka sir, right? So if you are going to purchase that potato from market, so you will see that what is the difference between that organic fresh potatoes and that cold storage one, okay? You will see that for a longer period of time, larger size of cold storages, there, this farmers, they are going to store their crop, okay?
there you see that control temperature. Control means, why control temperature? If right now outside is 43 degrees Celsius, right? So if your potatoes, you are going to store it for a longer period, for a year, and if the temperature will vary in, suppose consider in winter, it will be something like this. In summer, it will be like this. In monsoon season, it will be like this. Okay, so what will happen with your potatoes? It will start changing. Okay, what changing? Potato is a living part or not? It's a living part. Yes, ma'am. It's a living part, right? But once you will remove it out of the plants, then it's not going to get nutrition. So what will happen? Yes, Veda? The nutrition is not reaching to the potato. It is correct. Correct. So what exactly we are doing? Once we'll just chop off that crop, we are going to directly put it inside this cold storage. So what will happen at that time, whatever activity is going on inside that potato will stop. It's something like switch on and switch off the tube light or fan. Okay. That example, please don't mention in exam, but that to relate it with this. Okay. So the thing is that all the metabolism, okay, what type of activities are going on inside? And I'm using the word metabolism. We already discussed, right? What's the meaning of metabolism? Can anyone tell me? Metabolism. We already discussed. It's a simple definition. Okay. You don't need to just give that answer word by word. Okay. Word to word, you just don't need to. Ma'am, the process in which if the plant is attached to the that main crop. Okay, what else? Anyone else, Veda? Metabolism. Okay, in our case, what's the meaning of metabolism? Ma'am, metabolism, naam to suna hai, kuch pata nahi kya hai. Okay, fine. See, simple. You don't need to mug up anything, okay? Why do we need to eat food, first of all? To have energy. Because energy. We want energy. So food, yes, will get converted into energy to perform various tasks. Yes. That is known as metabolism. Right now, consider that only. Right? In the same case, plant will also require that energy because they also have to various tasks. Photosynthesis ko metabolism kahenge. Correct. Unko bhi task bahut sare perform karne, absorption of water, photosynthesis, reproduction, okay? All the tasks will perform by that energy. And you know that what is it, photosynthesis and byproducts, right? So that is metabolism, means all those activities will stop. Like in case of animals, hibernation mode, okay? In case of frog, their activity will be complete, means it's not like that their system will stop working, but they are in a hibernation mode. And hibernation means just like our autopilot mode. Autopilot mode pe morning mein uthe. You will only sleep or do nothing. Correct. Exactly. Not only think, but they are living entity right now, but they are not performing all the activities at the pace. Fine? Clear? So this cold storage will help in what? To stop that activity is going inside. So if you are stopping that, what will happen? If you are not going to stop, what will happen? Okay, correct. So if you are going to keep that potato outside at room temperature, so what will happen? It will dry up, definitely. So why? Because it is not in, because metabolism process is going on. And at the end of it, what will happen? They are not going to receive their nutrients, okay? They are not going to receive water. They are not going to receive all the requirement things, all the required things. They will be not eatable. To survive. And then they will survive. Correct. Clear, Veda? Yes. Okay. So that was one of that part. Okay. Do you know about the seed bank? It's not there, but we will discuss seed bank. What seed bank? Seed. You know that seed, right? And where the seeds are stored. Correct. Okay. So there is one doomsday, one place where we are storing all the seeds. Okay. You know that what is greenhouse, right? Yes. What is greenhouse? Yes. Greenhouse, we can control all the factors, environmental factors, and we can grow that plants, right? Yes. So in a similar manner here, what we are doing, now you know that what is freezing technique, right? Freezing. Yes. I don't know that. Freezing. Suppose simply, if you are using mixed vegetables, okay, it's readily available in market.
mixed vegetables, you need to keep that inside, specifically freezer. Okay. And once you want it, you are going to throw it. What's the meaning of throw? Throw means you are going to keep it at room temperature. अब तक वो कितने डिग्री सेल्सियस पे थे? Suppose consider -18, -2 or something like that. Correct. Like your paneer. है ना पनीर जब यूज करना है यू आर गोइंग टू कीप इट एट रूम टेम्परेचर पहले उसको थो थो व्हाट इज दैट नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना उसको फाइन सो दैट ऑल द एक्टिविटीज विल स्टार्ट अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज इट फ्रीजिंग कंडीशन में राइट सो यू हैव टू ब्रिंग इट एट रूम टेम्परेचर पनीर को राइट सेम मैनर इन केस ऑफ सीड बैंक व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग वी आर अज्यूमिंग दैट व्हाट विल हैपन इफ जिस तरीके से हम अभी प्लांट्स ग्रीनरीज को हम रिमूव कर रहे हैं इफ इन फ्यूचर वी आर नॉट हैविंग दैट रिसोर्सेस ओके अगर हम इसी स्पीड से करते रहे तो हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं बचेंगे सो व्हाट वी आर डूइंग जैसे बैंक में पैसे जमा करते राइट सेव करते सो वी आर सेविंग द सीड्स जितने भी हमारे पास अभी वेराइटीज है वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स वी आर सेविंग ओके सो सीड्स बैंक एक फ्रीजिंग टेम्परेचर पे वाई बिकॉज फ्रीजिंग टेम्परेचर पे वॉट विल हैपन It will stop all the activities. Metabolism. Yes, it will stop all the activities. So, यहाँ पे बहुत सारे types के globe हमारे अर्थ में जितने भी ऐसे seeds हैं वो यहाँ पे store किए गए हैं. That is also one of that part. Okay? So, whenever that time will come, we can just remove it, throw it. Throw it means at that particular temperature we will throw and we can grow that particular plant or crop. Okay? So it is there, but for that you know that we need to collect it good quality of seeds, है ना? अगर ये seed हमने choose किया, अगर वो ही defective है, we cannot produce it. We are relying on that. Okay, you might have seen that sci-fi, scientific movies, right? So you know that what is doomsday, है ना? आखरी दिन आ गया, अर्थ का, बहुत सारे movies इससे related, right? So you see that we are storing this, okay, and we are having the seed banks. Now, coming to that point, management. Management के लिए introduction में हमने discuss किया था बहुत सारी चीजें, right? Why do we need to manage this crop? Okay? Why? Now it's simple. We already discussed. Ma'am, because सबको equally मिल जाए mismanagement ना हो. Correct, correct. पता चला कि गुजरात में सबको गेहूं मिल गया, but उत्तर प्रदेश में ही नहीं मिले. ठीक है? It should not happen. Means all the states, okay? All the people, at least in our country, should be equal. Yes, correct. Okay, so management. Management kaise ho sakta hai? First of all, government body should be subordinating. Okay, then it should treat all people equal. Corruption free and that always jo bhi decision liya ja raha hai, right? It should be in favor of whom? कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़ी है राइट क्लियर सो वी नीड टू मैनेज दैट हाउ वी कैन मैनेज दोस थिंग्स मैनेज कैसे हो सकता है इट्स नॉट देयर इन डिटेल ओके इन योर सिलेबस इट्स नॉट देयर इन डिटेल बट वी आर डिस्कसिंग इट Yes, anyone? How we can manage? Okay, simple, simple. We have to see that all the people have got the things equally or not. Correct. We should see that all people are getting the crops. Price should be affordable. Correct. That is first point. Price. Who will decide this price? Price should be decided by the farmers. As in social study, you are already learning, okay? Who is governing what, right? कौन-कौन सी चीज़ govern करता है, right? Who is going to prepare the laws? Who is going to make you obey, right? Clear? So, yes, price decide. Means, you know that why they need to crush all those crop, है ना? वो civilian के पास पहुँचने से पहले farmers को उसको crush क्यों करना पड़ता है? Because they are not getting proper price. Correct. And right now we are having in front of us that largest marsh, you can say that.
जो पंजाब के फार्मर्स कर रहे हैं राइट, बहुत दिनों से वो स्ट्राइक पे राइट, सो व्हाई दे आर डूइंग इट, एनीवन they will not get, they do not get the proper amount of their crops. The price that is required for their crop growth, and they are getting less amount of price that the hard work they are doing, that is that is it only the point or something else is also there? If you are reading newspaper regularly, no, then you must for daily for daily needs. Nahi aisa. Okay. Why they are opposing, but what is the reason? Only price is the reason? That is not the main point. मैं मुझे इतना ही पता है, इतना डीपली नहीं पता है. Okay, no issue, बेटा. कोई problem नहीं है उसमें. इतना पता है, इतना भी बहुत है. Okay, but the thing is that whatever is going on outside, like see in your surrounding area, right? अगर वो बहुत जोरों से हो रहा है, तो at least उसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो, है ना? It's completely fine if you are reading that news related to sports. Completely fine, you can go for this also, okay, because it's related to food and without food we cannot survive. So can I just give you that homework regarding this? Huh? Batai do na. All of you just read that article, what was that? Okay, because the point is not only price. Ma'am, right? Bata do na abhi. Ji, bata do. Ma'am, in some places there are higher prices and less quality, and in some places there are perfect quality and the price is also suits it. But okay, no, that is not the reason. Is the reason? The thing is that if we'll take example of few other countries, okay, why we are discussing this? Because our chapter name is crop production and management, hai na? Management nahi hua, that's why they are on that strike, right? So that's why we are discussing this. It's not there in your syllabus, but okay. So the point is that not only the price, in some of the countries, whatever production will goes on, that will be all over of that particular country. Suppose take USA, okay? Jo bhi production, jitne bhi farmers hi pure countries mein hai, we are taking only one example, okay? So they are going to just take that as a overall production. Jo kuch bhi hoga, that will be in hand of that particular government body. Okay? Production le lo, uski price le lo, uska benefit le lo, profit jo bhi hai, right? Everything will goes and decided by the government body. Okay? Now consider like that. Now, but in our case, what is the? Okay, I'll give you only simple example in case of USA only. Okay? There are numbers of doctors available in USA, hai na? Yes or no? But in USA, what is the condition? अगर आप एक USA के किसी एक स्टेट में जाते हो और यहाँ पे डायबिटीज की ट्रीटमेंट कराते हो, राइट फाइन, और एक कोई स्टूडेंट जो रहता है किसी और कॉर्नर में और वो सेम डायबिटीज की ट्रीटमेंट कराता है, ओके, सो दे हैव दोनों के प्राइस में डिफरेंस होगा. तो स्टैंडर्ड है वहां पे कि इस ट्रीटमेंट की एक प्राइस डिसाइडेड है, ओके, एक कोड है, कोई अलग अलग प्राइस नहीं रहेगा, एक ही प्राइस, राइट, सब लोग एक ही प्राइस में करके देंगे आपको ऐसा, राइट, यस, सो इट विल बी, यस, कमिंग टू दैट पॉइंट, अगर टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, या डायबिटीज के लिए आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया, राइट, सो व्हेनेवर वेयरएवर यू विल गो इनटू दिस यूएसए द प्राइस विल बी सेम, ओके, एंड दैट प्राइसेस एंड डॉक्टर व्हाटएवर चार्जेस दे आर गोइंग टू collect, okay, from the patient. Generally, in that case, government is the one who is responsible to pay that bill. And second is also there, that right now we are not going to discuss Medicare and Medicare, okay? Insurance. It's related to insurance. So, ma'am, India mein aisa nahi ho raha hai. Sab log apne man se bhav le rahe hai, isliye wo log aisa kar rahe hai, sir. Yes, yes. I'll come back to that point. Let me just explain, okay? So, yahan pe, agar kahin pe bhi diabetes ki aap treatment karaoge, same disease ki baat kar rahe, okay? So, it will be same. Usse zyada ya kam charges nahi hoge. Same manner, if we now replace our hospitals to the farm, yani farms. India mein kaisa hai ki sab apne tarike se crop production karte hai, uski price alag tarike se koi banata hai, bechte kisi aur hi price se hai, फार्मर्स तो कोई और प्राइस मिलती है एंड कंज्यूमर्स वो तो कुछ और ही प्राइस में खरीदते हैं, राइट, मींस यू विल सी दैट टोटली डिफरेंट केस, है ना, कहीं पर भी जाओ अलग अलग जगह पे टोटली डिफरेंट केस. इतना समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
So what government is trying to uniform all those things, uniformity lana, hai na? Uniformity so that in India, iske benefits bhi hai, aap drawbacks bhi bol sakte ho, fine? And whatever they are opposing, that is this. They want it separately. Means they want it separately that decision should be in the favor of farmers. Okay. Clear? Yes, ma'am. Okay, fine. So what is the next point then? We will see that the silos here. Exactly how does it look? Just give me a moment. So silo is nothing but a pillar-like structure that you will see. Okay, pillar-like structure, long size. You might have seen that if you are visiting that, the end parts of the city, you know, that industrial area. So you might have seen that. Okay. We were using that when that metallic, we were used to call them as a peep, right? So metallic silos, vertical, means it will be the, just a second, give me a moment, I'll show you. Ma'am, like this? Yes, beta. Yes, I'm doing that only. Okay, great. I'm putting you on spotlight. Yes, correct, beta, correct. These are the silos, okay? Here, the granaries, you can see. Granaries means where you can store that grain. The word is silos. And everything will be controlled here, okay? Here, you can see that storage of grains in a granaries, okay? That will be in a jute bag. We were using jute bags before, okay? Because the natural property of jute is that it will not cause any infection, or you can say that in case of plastic, what will happen? Right now, we are using plastics, huh? Right now, we are using plastics, right? But we were using that eco-friendly manner before, and that is jute bag, okay? So that was a wonderful option instead of this plastic, fine? So are you able to see this one? Silos, these are the silos, okay? Pillar-like structure, that will be vertical one and not the typical horizontal rooms, fine? Now, the next part is food from the animals. Why we are discussing this? We were learning crop only, but we are not only depending upon the crops. We are also depending upon the animals. Okay. As a vegetarian and non-vegetarian person, we are having two sources, right? Animals, and also plant-based, right? So we'll take that also. First of all, animal. Okay. First of all, what's the meaning of that? Why do we need that, you know, nutrition outside from that plant-based product? Or you can say that plants. Very good example is milk, you know that. Except that vitamin C, you'll receive all the types of minerals and proteins and all from that milk. Okay, so we used to consume it. We are consuming it right now, okay? Point is that, if it will become, or you can say that, we will take one example. Marine creatures, okay? Those creatures who are living inside the water, underwater, okay? And haphazardly people are using, not only in India, but basically, okay? We people are mostly vegetarian, right? We used to eat that vegetables and all, plant-based things, right? But if you go outside, okay, coastal region, you'll see that they are completely depend upon this marine species and the creatures, right? So we need to balance something. Huh? Suppose if you right now you are purchasing grocery, okay, grocery leke aaya, okay? Ab grocery lie, but ek hi din mein aapne ek week jiti grocery use kar li. So what you will do? You will just go back and bring all the groceries. More groceries. Okay? है ना, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, अगर खत्म हो गई तो बाहर से लाने के लिए जाना पड़ेगा. दैट्स अ सिंपल थिंग. अगर आप नेचर से वेजिटेबल्स फ्रूट्स ले रहे हो, यू नीड टू मेंटेन इट, बिकॉज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग है ना, स्पेसिफिक क्रिएचर ह्यूमंस, वो ज्यादा है प्लांट्स और इसके कंपैरिजन में, राइट? एंड वी आर कंज्यूमिंग इट हैपेंसली, मींस
इतनी क्वांटिटी में हम उसको नेचर से ले रहे हैं, वी नीड टू रिटर्न इट बैक. अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा? वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू क्रिएट सीड बैंक्स फ्यूचर के लिए, राइट? वी नीड टू डू दैट, क्योंकि हमें एक डर है कि अगर सारी चीजें, हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, ओके, अगर सारी चीजें खत्म हो गई देन व्हाट विल हैपन, सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द सीड बैंक्स, राइट? सेम थिंग, अगर आप सी से इतने मराइन क्रिएचर्स, इतने सी स्पीसीज ले रहे हो, ओके, you need to maintain it. कैसे maintain करोगे? You cannot produce all the species once again, है ना? You know that red data book. What is red data book? Red color की एक book जिसके अंदर अभी भी जितने भी species, living organism, endangered है या फिर extinct, जो अभी रहे ही नहीं, उसकी कोई भी species right नहीं बची है, उनकी पूरी list दे गई है, right? So what we are thinking as a human being, that we are the only one here who is living on this planet, है ना? तो हम जो चाहे जितना चाहे यूज कर सकते हैं. There are some, see, legally and illegally both the ways are responsible for that. Okay, you'll see that if you are watching docu-series, okay, so you'll see that कि sea marine के ऊपर एक पूरी documentary है, बहुत सारी है, fine, you'll see that एक दिन के अंदर ocean हमारे पास, मतलब अगर ले ले large quantity में ocean में पानी present है, yes or no? It is there, right? And numbers of creatures are present. अगर इतने ही number में हम हर रोज इतने fish, इतने crabs, इतने molluscans अगर remove करते रहे, what will happen one day? Plants को भी, the ocean will be empty. Plants को हम regrow, समझ लो कि हम कर नहीं रहे, but still we can do that, है ना? एक specific area में हम फिर से grow करके वो चीजें फिर से हम receive कर सकते हैं. But in case of this marine creatures, animals, okay? अगर haphazardly उनका नया रिप्रोडक्शन, नई जनरेशन अगर नहीं बन रही है एंड स्टिल वी आर यूजिंग इट, व्हाट विल हैपन? जितने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, राइट? सो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, मिल्क इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ओके, पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम द मिल्क. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? We are not only using it for food, okay? We are using it for industrial purpose as well, है ना? सिर्फ food के लिए नहीं करते. Suppose ले लो leather belt. Someone will say that I just love that leather accessories, okay? Leather belt, leather bags, chappal, okay? Jacket. So that is one of that. What else? We are wearing the clothes. That is. And jackets. Jackets are also made from. We can consider jackets, clothes, everything will goes inside the clothes, okay? Ma'am, food. There are lots of many examples. Ma'am. Right now we are, yes? Yes, madam. No, ma'am. Yes, chappal, shoes, correct. What else we are using? We are using their teeth, like in case of elephant, you know that, right? Crocodile skin. Skin, crocodiles, generally that skin they are using just for that passion, you know? And that is not legal. Ma'am, purses. Correct. We are using actually. If you will take note, we even don't, you know, just leave that venom also. Snake's venom, है ना? हमने जो snake का venom होता है ना, उसको भी नहीं छोड़ा. What we are preparing out of it? We are preparing medicine out of it. Okay. उसी से medicine बनती है. किस चीज के लिए? पता नहीं. Great. Medicine we are preparing. Suppose I'll give you one example to understand this. Okay, whatever vaccine we are taking, no, for coronavirus, what is there inside? Attenuated form or deactivated form of a virus only. Yeah. So virus ke against hume immunity create karni hai. That virus generally we used to enter. We are just keeping that in form of deactivated, attenuated, yani killed, ya fir deactivated form mein hota hai. So what will happen? It's something like कि समझ लो कि पाकिस्तान के डिफेंस से अगर कोई सोल्जर्स हमारी बॉर्डर में घुसे, so for us it's a red alert, right? हमारी पूरी डिफेंस मैकेनिज्म वहां पे अलर्ट पे आ जाएगी और पोजिशन पे आ जाएगी, राइट? एक्शन पे आ जाएगी, ओके? So once any foreign particle will enter inside our body, foreign particle यानी समझ लो कि आप सब्जी लेने गए, ओके? You will see that you will start sneezing, you will feel that allergy, right? So what is that? जो भी एयर के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स या ये सब्जी से आपको एलर्जी, दैट विल गोज इन साइड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो योर बॉडी विल बी लाइक दैट, इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन फॉर्म ऑफ स्नीजिंग. क्योंकि बॉडी में क्या एंटर हुआ है अभी?
कोरोना फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल राइट नाउ वी आर नॉट टेकिंग दैट, दैट इज इन जनरल ओके. सो द सेम मैनर इन केस ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग मेडिसिन, अगर हम वेनम के खिलाफ एंटीडोट बना रहे राइट, सो वी आर यूजिंग द सेम, नॉट ओनली दिस इज द पॉइंट बट बहुत सारी मेडिसिन बनती है वो वेनम से ओके. सो वॉट एवर दे आर यूजिंग वो स्नेक से वेनम रिमूव कर लिया जाता है. सो नॉट ओनली द स्किन, नॉट ओनली द मतलब अगर मैम मैम अगर जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस के खिलाफ वायरस वही यूज कर रहे हैं पर डीएक्टिवेटेड फॉर्म में. वैक्सीन का मीनिंग ये होता है वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीन के बारे में आप पढ़ोगे देयर यू विल फाइंड आउट कि यहां पे एंटीजन ओके दो वर्ड यूज होते हैं. जनरली वी यूज टू कॉल एनीमी है ना, एनीमी यानी शत्रु जैसे हम बोलते हैं ठीक है, कौन घुस गया है हमारी बॉर्डर में एनीमी. हाँ तो एनीमी को रिप्लेस करेंगे वर्ड से एंटीजन, और उनके खिलाफ लड़ता कौन है सोल्जर्स ठीक है. तो यहाँ पे हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है जब ये एनीमी बॉडी में घुसता है तो उसको बोला जाता है एंटीबॉडी है ना. बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया किसके फॉर्म में, एंटीबॉडी के फॉर्म में. जैसे कि यहाँ से तलवार निकली तो सामने से भी कुछ तो कोई तो वेपन्स निकलेगा ना ठीक है. एंटीजन से अपनी एनिमी ने अपनी तलवार निकाली कौन से फॉर्म में, एंटीजन के फॉर्म में ठीक है. दैट यू विल स्टडी इन हायर स्टैंडर्ड, अभी के लिए इतना ही समझो फाइन. तो बॉडी भी कुछ सामने सर्वाइव करने के लिए डिफेंड करने के लिए निकालेगा, व्हाट इज दैट एंटीबॉडी. तो अब हम क्या कर रहे हैं वैक्सीन के फॉर्म में अपने बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, इससे पहले कि कोरोना एक्चुअल में एंटर हो हम क्या करवा रहे हैं, वी आर गिविंग दैट इन फॉर्म ऑफ डीएक्टिवेटेड और किल्ड फॉर्म ओके. सो दैट योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड कि हाँ बॉडी में जितने लोगों ने वैक्सीन घर में ली होगी यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि उनको उस दिन शाम को आई थिंक अगर कोविशील्ड ली है तो यू विल फील दैट शिवरिंग होगा हल्का सा डिपेंडिंग अपॉन द एज. हाँ फीवर होगा, वाई बिकॉज योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, सो दैट्स अ गुड साइन दैट इट्स रिस्पॉन्डिंग ओके वैक्सीन, बिकॉज हमने वैक्सीन के फॉर्म में फॉरेन पार्टिकल अंदर बॉडी में एंटर किया है राइट. सो इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज. अब एंटीबॉडीज क्रिएट हो गई आपके बॉडी में ठीक है. एंटीबॉडीज कुछ ऐसे शेप में होती है वाई शेप में ठीक है. तो अब क्या होगा अगर नेचुरली अगर वायरस एंटर करेगा आपके बॉडी में एक्चुअल में कोरोना वायरस, देन दिस एंटीबॉडीज विल फाइट अगेंस्ट द एंटीजन ओके. राइट नाउ इसके आगे अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो उसका भी आंसर है, बट अभी के लिए इतना समझो फाइन. दैट इज नॉट अवर पॉइंट, अवर पॉइंट इज दैट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फूड. वी आर नॉट ओनली कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स राइट, वी आर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल्स. तो कौन कौन से एनिमल्स है, हेन है, उसके बाद क्रोकोडाइल, काउ, गोट, कैमल, बफेलो, करेक्ट. एज ओके अगर इंडियन की तरह बात करें ना हम, सो वी आर गोइंग टू बी लिमिटेड राइट. बट अगर चाइना की बात करें they are not going to live anything right, koi bhi animal jaise the aaya hai mam uski application matlab wo real life application mein even coastal region mein jo green color ki algae hoti hai na coastal region right, sticky portion jo hamare liye kachra hai right. You know that for Gujarat we are having 1500 or 1600 kilometers of that coastal region yes, yes. So this algae is going where you know we are exporting it kyunki wo unme se kya banate hai cosmetics. Algae से cosmetics? And it's a sorry? Algae से cosmetics? Cosmetics ये कुछ समझ ही नहीं आया. अच्छा ठीक है, मतलब they are not living anything, है ना? हर एक चीज़ पे वो हर कचरे से कुछ बना रहे हैं, हर कचरे से कुछ बना रहे हैं. मैं ये तो ऐसा हो गया old is gold. Okay fine, we are coming back to our point once again. तो animal based product हमारे पास बहुत सारे, okay? Not only this. अगर हम सिंपल सिंपल एग्जांपल ले ले आप सबको अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ठीक है, तो यू कैन गिव एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स राइट. कोई भी एनिमल्स को लेके राइट. वी आर यूजिंग कॉड लिवर ऑयल. व्हाट इज कॉड लिवर ऑयल मैम, फिश का ऑयल करेक्ट, फिश के लिवर का. ओके वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल दैट वी आर केवियर. यू माइट हैव हर्ड द वर्ड केवियर. अगर कोई फूड या इसके रिलेटेड कोई शो देखता होगा ना, दे आर यूजिंग केवियर. सबसे ज्यादा महंगा है ना केसर, केसर सबको पता है राइट कि वो महंगा है राइट. अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कौन सी आइटम सबसे महंगी है, उसमें से केवियर है. सो केवियर जो है दैट इज वन टाइप ऑफ एग्स यू कैन से, है ना. सो वी आर नॉट लिविंग इवन एग्स ओके. सो दिस आर द एग्जांपल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो स्पेसिफिक एग्जांपल दैट वी विल टेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
Yes, what happened? Yes, still we are having the time. Right? Pankti. Okay. Eggs are a very good example if you want to receive that proteins in a good amount. Okay? But eggs and mushroom. Mushroom is also a very good example. But as a Gujarati, we used to call them as a, we just use that word what? Biladi ni top to na khawai. Because it's something like, it's not vegetarian thing, okay? But it's not like that. You'll find out more resources, okay? Minerals, vitamins and nutrients in that mushroom, okay? Agar hum compare karne chahiye simple koi vegetable ke saath, okay? So it's not like that. For proteins also we can take that eggs. But now you know that we have polluted everything. Pollution na to air mein bacha hai, na water mein, na hi land mein. Har jagah pe purity. जो प्योरिटी होनी चाहिए तो एग्स आर व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्पेसिफिकली कंफ्यूज्ड अबाउट दैट क्वेश्चन है ना कि शुड वी कंसीडर इट एज अ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थिंग राइट सो एग्स को प्रोटीन के लिए अगर हम ले रहे हैं देन कंप्लीटली फाइन बट वंस अगेन आपको पता है कि बहुत से बहुत सारे फ्लूज होते हैं राइट अगर वो फ्लू हो गया एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट देन अगेन इट विल बी नॉट अ गुड थिंग राइट सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल We'll share that first of all, that page. Let's see what else. Okay. Here you can see that, right? Animal husbandry. We have discussed seed banks. So what is animal husbandry? Okay. So animal husbandry, all of you are aware about it. Generally, we used to call them as a, what? Gujarati word? Kabela, right? So we are keeping them, all the animals there on a large scale. We are receiving food. You can say that the milk, we are receiving that cow dung, okay? We are using it. So that is the example, animal husbandry, where we are going to take care about all those animals, okay? Why we are taking care? Because we want something from them, yeah, right? Yes. So before, you might have heard that, okay? At the time of that Rishi Muni, when Satyut, okay? They were, the money, cash, that was not a worthwhile thing, okay? At the time, cows were, okay, because मतलब आपके पास कितनी cows है उसके ऊपर से आपकी richness decide की जाती थी, okay? So the point is that animal husbandry कितने animals large quantity में वहाँ पे take care किए जाते हैं, उनको खाना मिलता है and we are receiving something from them, okay? Apart from there, okay, production. Suppose if we take हमने marine creatures के discussion किया है ना, so right now what people are doing? Because I say that naturally उतने ही reproduction से हमें नई species नहीं मिल रही है अगर जैसे ले लो crabs ठीक है crabs जितने भी खाने के लिए हम sea से निकाल रहे हैं उतने ही अगर crabs अगर ocean में नहीं हो रहे so at one point एक ऐसा आएगा कि sea में से crabs मिलने ही बंद हो जाएंगे right are you getting it बेटा so what we are doing now हम उसका culture कर रहे हैं culture यानी क्या artificially grow करवा रहे हैं जैसे प्लांट्स को करवा रहे हैं ना हाइब्रिड वर्ड सुना है ना कि ये तो हाइब्रिड टमेटोज है ना हाइब्रिड ब्रिंजल्स है ठीक है सो हाइब्रिड वी विल लर्न डोंट वरी हाइब्रिड वी आर गोइंग टू लर्न वंस वी विल लर्न दैट रिप्रोडक्शन एंड रीचिंग एडोलेसेंस ओके तो ओके दैट्स इट ये चैप्टर में बस इतना ही है अभी के लिए तो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट यू कैन आस्क मी ओके वी विल कंटिन्यू विद द टेक्स्चुअल एक्सरसाइज And a few more interesting things, and then we'll start our next chapter. Okay, next session. But right now, if you're having any question, you can ask me. Yes, beta. Agar bahut zyada jaldi speed mein ja raha hai, tabhi bata do. Agar beech mein kuch samajh nahi aa raha hai, then also you can inform me in between. Off track thoda hoga because we need to relate it, right? Real life application में we need to relate it. जो भी theories आप पढ़ रहे हो, है ना? अगर if you cannot see any of that benefits in real life, then there will be no meaning, है ना? आपको question होगा, मैम क्यों पढ़ना है फिर, right? Okay? Any question बेटा? No questions? Sure? So मैं एक question पूछूँ अभी? चलो. Silos के बारे में अगर बताना हो तो क्या बताओगे? Silos. Silos. Simple, S-I-L-O-S, and granaries. What is the use of granaries and silos? Turn by turn. Can I say me? And may I? Wait. Tanishka, you want to say, meet? Turn by turn, just unmute yourself. First of all, meet.
Then who raised their hand? Ma'am. Pankti. Pankti or? Yes, beta. Ma'am, question, can you repeat? Ha. Silos, S-I-L-O-S, silos and granaries. Aap pehle silos ke baare mein ek ya do sentence batao. Ma'am, silos are the containers in which the crops are stored. Okay, container. Fine. Container bol sakte hai, bahut large size ke hai to. Second, कौन बताएगा आंसर? Yes. अनम्यूट करो बेटा जो हैंड रेज कर रहे थे अनम्यूट करो. My voice is not coming. Am I audible बेटा? जय. Yes ma'am. जय, am I audible now? Yes बेटा. जय अनम्यूट करो बेटा. Ma'am, silos are the not containers, but in that the grains are stored in a large scale. Correct, large scale पे है ना? तो it's not like कि हम बहुत बड़े size के containers बना रहे हैं, okay? Great. Granaries के बारे में कौन बताएगा? Granaries. Ma'am, मैं बताऊंगी. Wait, बेटा. We are going to give the chance to some other students as well, ना? कौन बताएगा? Who were raising that hand, bida? Yes, Jai, I think you are facing that network issue. Meet, I'm audible. Am I audible, Pankti? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are clear. Just show me your thumbs up, no? If I'm audible. If I'm audible, please. Shorya, Yash. All of you, please. Jai, just check that connectivity issue, bida, from your side, na? Jai. Okay? Ma'am, the voice is proper. Okay, okay. Fine, fine, fine. ओके ग्रेनरीज के बारे में कौन बताएगा अभी ग्रेनरीज सी नेम पर से क्या साइंस में ऑलवेज ग्रेन वर्ड ग्रेनरीज ओके पैंट्री ओके पैंट्री वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट व्हाट यू आर गोइंग टू स्टोर एट योर होम हाँ मीत बता दो बेटा मीत ओके मैम मैम ग्रेनरीज आर द गोडाउन लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच द ग्रेन्स आर स्टोर्ड करेक्ट हम गोडाउन बोलते हैं राइट अगर लार्जेस्ट स्केल में आप सिटी एरिया में जाओगे ना अहमदाबाद में तो बड़े बड़े गोदाम होते हैं राइट कोई भी आप स्पाइसेस के देख लो तो वो लार्ज क्वांटिटी में वहां पे स्टोर होते हैं राइट बट यहाँ पे ग्रेनरीज है नहीं इतनी लार्ज क्वांटिटी में कि फार्मर्स की जितनी भी प्रोडक्ट मतलब आप समझ लो कि जितना भी प्रोडक्शन आया है वो जाके स्टोर होगा राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके गिव मी सम अदर टेक्निक्स रादर देन वी हैव डिस्कस्ड है ना प्रिजर्वेशन के लिए घर पे हमने जितने डिस्कस की उसके अलावा की कोई प्रिजर्वेशन टेक्निक बताओ आपका फूड प्रिजर्व करने के लिए मैम एयरटाइट कंटेनर्स करेक्ट वो बहुत ही जरूरी है ना अगर आप पीकल बना रहे हो एयरटाइट कंटेनर से भी ज्यादा कि आपका वो कंटेनर कैसा होना चाहिए क्लीन क्लीन यानी कैसा सारे माइक्रोब से फ्री होना चाहिए हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लीन इट प्रॉपरली विद अ डिटर्जेंट एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट डिटर्जेंट वहां पर रहना चाहिए राइट आफ्टर दैट जनरल व्हाट जनरली लैब्स लेबोरेटरीज व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर गोइंग टू जस्ट सैनिटाइज इट विद द फायर मीन्स आपने देखा होगा कि कई बार जो ग्लास की चीजें होती है राइट उसको क्लीन करने के लिए बर्नर से मतलब बर्नर के ऊपर रख के जो भी पानी है इसको इवेपोरेट किया जाता है या फिर यू कैन सी दैट ऑटोक्लेव यू विल नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ सपोज इफ यू आर हैविंग दैट माइक्रोवेव ओवन्स राइट सो यू आर गोइंग टू कीप दैट ग्लास जार इनसाइड दैट ओवन सो व्हाट विल हैपन दैट रेज ओके कौन से रेज होते हैं माइक्रोवेव माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं बिकॉज कौन से वेव हो गए वहां पे माइक्रो ओके दैट यू विल स्टडी हाँ डोंट वरी स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे हम लाइट वाले चैप्टर में फाइन तो दैट वेव्स विल कॉज That will kill all the microorganism inside your jar. है ना अब अगर कोई microorganism ही नहीं है ओके या फिर समझ लो कि पीकल भरने के टाइम पे एटमोसफियर से कुछ स्पोर्ट्स अंदर चले गए फंजाई के है ना क्योंकि वह एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं राइट तो अब क्या होगा आपके पीकल में क्या स्टार्ट हो जाएगा फंगस राइट सो वी नीड टू टेक केयर दैट बेटा ओके आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस सेशन विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन ओके रिविजन रिवाइज कर लेना राइट ओके Bye. Bye.
Ma'am, we have to write the textbook exercise on our own. Textual exercise I will discuss. After that, you are going to write it down. Okay? Okay. Next. Ma'am, don't end the meeting. We have another class. On the same link, you are going to continue? Yes, ma'am. But I need to end that up, because I need to join another meeting as well. So, fine. Okay, bye. Take care.